दोस्तों, बिहार में भले ही किसी को एमआईएम पार्टी से बेचैनी हो, लेकिन इस वक्त सीमांचल से बाहर पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपना संगठन को मजबूत करने में लगा है। आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे गया ऑफिस का, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन पहुंचे और तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात की। उन्होंने युवा सचिव आफताब खान से मुलाकात की, उनके विधानसभा क्षेत्र को घूमा और साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। चूंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान को बिहार शरीफ जाने से रोका गया था, उसके बाद से ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है और तमाम तर जो है सीमांचल के बाहर जितने भी जिला है, तमाम तर पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ पूरे बिहार में अपना आप जो है संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। आज जो ये तरमा जो चौक है वजीरगंज विधानसभा गया जिला में, यहाँ पर आफताब साहब जो हमारे पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन्हीं के ऑफिस में आने का मौका मिला। क्योंकि आफताब साहब मगध में पार्टी को फैलाने के लिए पहले दिन से बहुत ही जोर जज्बे से जुड़े हैं। अलहम्दुलिल्लाह पूरे मगध में ही नहीं, पूरे बिहार में पार्टी फैली और इनकी खिदमात का हम शुक्रगुजार हैं। चाहे अब तरुण इमाद साहब का लोकसभा इलेक्शन हो, 2019 का बाई इलेक्शन हो, 2020 का विधानसभा हो, या जो 2015 में जब पार्टी आई थी, तब से आफताब साहब और इनके दोस्त इनकी टीम एमआईएम से जुड़ी है। हम तमाम एमआईएम के चाहने वाले जो वजीरगंज विधानसभा में हैं, तरमा में हैं, गया में हैं, और आफताब साहब से जिनका ताल्लुकात है, जैसे नवादा से हमारे शहनवाज साहब आएँ, वारिस साहब आएँ, और जो टीम मेरे ब्लॉक अध्यक्ष जो आए रजौली से, सब लोग का इन्होंने जोड़ा। आज अलहमदिल्ला नवादा हो, जमुई हो, शेखपुरा हो, शेरघाटी हो, इमामगंज हो, औरंगाबाद हो, अरवल हो, जहानाबाद हो, हर जगह बेला हो, हर जगह मखदूमपुर हो, एमआईएम बहुत मजबूती से नौजवानों के बीच और बुज़ुर्गों के बीच और महिलाओं के बीच और हर वो जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत है, जो मजदूमों का सहारा बनना चाहता है, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुलईमान साहब, अकबर साहब की क़यादत की तरफ देख रहा है, तो उस कड़ी को मिलाने में आफताब साहब का बहुत योगदान है, इनकी पूरी टीम का योगदान है। हम तमाम एमआईएम के चाहने वाले जो हैं उनके तरफ से, एमआईएम युवा टीम के तरफ से, अपने सदर अख्तरुलईमान साहब की तरफ से आफताब साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिन ब दिन हाथों को मजबूत कर दिया, अकबर साहब का जो विज़न है उसको फैलाया, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मजबूती से और चलाएंगे, और इस पूरे मगध ही नहीं पूरे बिहार में एक इनका भी नाम होगा और एमआईएम का जितना नाम बुलंदी होगा, तो आफताब साहब का नाम उसमें ज़रूर इंशाल्लाह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।